बहू आएगी वही सुधारेगी विनय बेटा दोपहर के बज रहे हैं है तो संडे के साथ रेस्टोरेंट तक निकल आया था अब मैंने खाना खा लिया मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा अरे ये क्या बात हुई बेटा सुबह मैंने नाश्ता बनाया तो तूने उसे छोड़कर बाहर से कचौड़ियाँ मंगा ली मैंने कुछ नहीं कहा

इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया बेटा घर घर ही होता है अब मैं घर में तीनों टाइम पिज्ज़ा बर्गर और कबाब तो नहीं बनाऊंगी ना और यह सब खाना खाकर सेहत खराब ही होती है मैं तो तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ लेकिन तेरे कानों पर जू ही नहीं रेंगती मम्मी मुझे पता है कि आप रोज रोज ये सब नहीं बना सकते इसीलिए तो मैंने आपको बनाने के लिए नहीं कहा मैं तो चुपचाप बाहर खाने के लिए चला आया ना अब आपको उसमें भी प्रॉब्लम है अच्छा ठीक है फोन रख रहा हूँ बाकी बातें घर आकर करूंगा भगवान ही भला करे ना आजकल के बच्चों को घर का खाना तो देख कर जैसे इनको बुखार चढ़ जाता है ना तो नाश्ता घर में करना चाहता है ना लंच अगले दिन विनय बेटा देख मैंने मेथी के पराठे बनाए हैं नाश्ता कर ले अरे मम्मी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ नाश्ता आप और पापा कर लेना मैं निकल रहा हूँ अरे बेटा लेकिन टिफिन तो लेता जा मैंने तेरा टिफिन तैयार कर दिया है माँ मुझे टिफिन नहीं लेकर जाना मैंने आपको बताया ना कि मैं ऑफिस की कैंटीन में खाना खा लेता हूँ अरे बेटा वो कैंटीन वाले पता नहीं कैसा तेल मसाला डालकर खाना बनाते होंगे देख तो मैंने कितना शुद्ध और पौष्टिक खाना बनाया है तेरे लिए टिफिन लेकर जाना बेटा अगर खाना ना बना हो तो और बात है लेकिन बना बनाया खाना छोड़ कर क्यों जा रहा है अरे भगवान क्यों सुबह सुबह इसके साथ बहस करती हो ये तो तुम माँ बेटे का रोज का काम है मना करने के बाद भी तुम रोज उसका टिफ़िन बना देती हो फिर उसके बाद वो टिफ़िन ना ले जाने के लिए पाँच सौ तरह के बहाने बनाता है तो मैं आज तक समझ में नहीं आया कि तुम्हारा बेटा घर का खाना खाना ही नहीं चाहता जब तक वो छोटा बच्चा था तुम्हारी डांट से डर से फिर भी खा लेता था लेकिन अब वो तुम्हारा छोटा सा चिंटू नहीं रहा जवान हो गया है अब उसको जीने तो उसकी ज़िंदगी उसके तरीके से जब ठोकर लगेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी ये कैसी बात करते हैं जी आप? इकलौता बेटा खाना खाएंगे, तो सेहत तो है ये सड़ा हुआ खाना खाकर जब लीवर में दिक्कत आने लगेगी ना तब इसकी अकल ठिकाने आएगी राम 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 लीवर खराब हो मेरे दुश्मनों का मेरे बेटे के लिए आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं बड़े ही लापरवाह बाप है आप अरे भाग्यवान बाहर का खाना खाकर सेहत खराब करे तुम्हारा बेटा और लापरवाह बाप हम कहलाए वाह भाई वाह ये करी तुमने समझदारी वाली ये बात ये फालतू की बातें करके ना मेरा दिमाग और मत घुमाइए अवधेश बाबू जानते थे कि इन दोनों माँ बेटे के बीच में बोलना मतलब अपना सर दीवार में मारना क्योंकि जानकी अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी शाम के समय विनय बेटा आ गया ऑफिस से चाय बना दो बेटा हाँ मम्मा चाय बना दो लेकिन अब चाय के साथ ना पोहा बनाकर मत रख देना मेरी कोई इच्छा नहीं है लिए फ्रूट सलाद तो आपको पता ना मुझे फ्रूट अच्छे नहीं लगते क्यों हर समय वही काम करवाने के लिए आप पीछे पड़ी रहती हो जो मुझे पसंद नहीं है विनय को गुस्सा होता देख जानकी उसे चाय का कप पकड़ा कर अपने कमरे में चली जाती है कुछ देर बाद बेटा विनय आज मैंने ना बिल्कुल नई रेसिपी ट्राई की है तो खाएगा तो उंगलियां ही चाटता रह जाएगा अरे मम्मी रहने दो ना अब क्या नई रेसिपी बनाई होगी आपने मैंने कद्दू की सब्जी नहीं खाई तो उसी कद्दू को भरकर आपने पराठे बना दिए होंगे देखिए मम्मी अब मैं आपका पांच साल का चिंटू तो नहीं रहा जो आप मुझे बुद्धू बना लेंगी और मैं बन जाऊंगा मुझे आपके सारे ट्रिक समझ में आती है और आप तो बस रहने ही दो अब तो सांबर और पाँव भाजी में भी तौरी और टिंडा डालती हो आपके जैसा अद्भुत खाना कोई और बना ही नहीं सकता माँ के बनाए खाने का मजाक बनाकर विनय दांत निकाल कर हंसते लगता है आ बेटा आज तो माँ तुझे खिलाने के लिए इतने जतन कर रही है तब भी तुझे खाना नहीं खाना होता कल को जब तेरी बीवी आएगी ना तो तू यहाँ बैठा हुआ टिंडे और तोरे खा रहा होगा और बेटा उस समय तेरे मुंह से ना चू भी नहीं निकलेगी मम्मी मैं ये टिंडे तो रे जैसे माँ को आग दिखाने वाले मैंने बहुत देखे हैं बीवी के आने के बाद आंखों के एक इशारे से खाना पेट में चला जाएगा तेरे ये सारी धांस और हेकड़ी तो माँ के लिए होती है ठीक है अब तो मुझे भी इंतजार है कि कब तेरी बीवी आए और तेरी अकल ठिकाने लगाए अब तो वही सुधारेगी तुझे आपने कोशिश कर ली ना मम्मी कोई दिक्कत नहीं है वो भी करके देख लेगी <laughs> मैं किसी से डरता नहीं हूँ माँ की बात का जवाब देकर विनय हंसते हुए वहाँ से चला जाता है कुछ ही दिनों में विनय की चंडीगढ़ शहर में एक अच्छी नौकरी लग जाती है और वो वहीं जाकर रहने लगता है सुनिए जी विनय तो पहले ही घर का खाना खाने में इतनी आनाकानी करता था अब तो वो अकेला चंडीगढ़ में रह रहा है मुझे पूरा यकीन है कि तीनों टाइम बाहर का ही खाना खा रहा होगा ऐसे कैसे चलेगा सेहत खराब हो जाएगी तो नौकरी कैसे कर पाएगा अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई तुमने तो अपनी तरफ से सारी कोशिश करके देख ली ना वो सुनता है क्या तुम्हारी अब तो वैसे भी वहाँ वो अकेला है तुम्हारी कोई रोक टोक भी नहीं है तो खाता ही होगा बाहर तभी तो कह रही हूँ कि अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए कोई बना कर खिलाने वाली आ जाएगी तो घर में खाना खाना भी सीख जाएगा अवदेश और जानकी अपने बेटे विनय के लिए लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं दो तीन लड़कियां देखने के बाद आखिर में उन्हें एक रश्मि नाम की लड़की अपने बेटे विनय के लिए पसंद आ जाती है जल्द ही विनय और रश्मि की शादी हो जाती है और रश्मि शादी के बाद विनय के घर आ जाती है नाश्ते के समय मम्मी जी आज नाश्ते में पोहा बना देती हूँ आप लोग खाते हैं ना पोहा अरे बेटा हम तो सब कुछ खा लेते हैं लेकिन समस्या तो विनय के साथ है दस में से आठ चीजें तो ये देखकर ही मुंह बिचका लेता है तो फिर खाते क्या है ये जो उन्हें पसंद है वही बना देती हूँ अरे बेटा जो वो खाता है ना वो तू नहीं बना पाएगी हमारा घर कोई होटल थोड़ी ना है जो साल के तीन सौ पैंसठ दिन यहाँ पर पूड़ी कचौड़ी समोसे चाउमीन जलेबी बनती रहे मैं तो इस नालायक को समझा समझा कर थक गई हूँ लेकिन ये सुनने का नाम ही नहीं लेता घर का बना खाना तो जैसे इसे काटता है और बाहर का वो गंदा तेल और मिर्च मसाले में बना हुआ खाना अमृत लगता है ये तो बहुत गलत बात है मम्मी जी कभी कभार तो चलता है लेकिन रोज रोज बाहर का खाना कौन खाता है ये ना तो हमारे बजट के लिए अच्छा है ना ही सेहत के लिए माना कि वो अच्छे पैसे कमाते हैं लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि सारे पैसों को यूं ही फिजुल खर्ची करके उड़ा दिया जाए बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा तू मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ अब तू आ गई है ना अब तू ही संभाल इसे हो सकता है जो बात मेरे कहने से इतने सालों में समझ नहीं आई तेरे कहने से समझ में आ जाए एक सप्ताह के अंदर विनय की छुट्टियां खत्म हो गई थी और छुट्टियों के बाद विनय रश्मि को लेकर अपने साथ चंडीगढ़ चला गया था कुछ दिनों के बाद रश्मि बेटा तुम दोनों की बहुत याद आ रही है शादी के बाद तुम दोनों चंडीगढ़ चले गए घर बिल्कुल सुना पड़ गया अच्छा मैं ऐसा करती हूँ मैं ही तुम दोनों से मिलने के लिए चंडीगढ़ आ जाती हूं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही मम्मी जी आप जल्दी से आ जाइए मैं आपका इंतजार कर रही हूँ जानकी रश्मि और विनय से मिलने के लिए चंडीगढ़ पहुंच गई थी खाने का समय था रश्मि ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था रश्मि ने खाना थाली में सर्व किया तो जानकी ने देखा कि रश्मि ने आज टिंडे की सब्जी बनाई है और उसका बेटा विनय चुपचाप बैठा हुआ टिंडे खा रहा है विनय बेटा टिंडे की खा रहा है। अरे और माँ के टिंडों में तो जैसे कांटे लगे हुए थे ना अरे मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है बस मैंने कभी टेस्ट नहीं किया था ना इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं टिंडा नहीं खा पाऊंगा लेकिन जब एक बार टेस्ट किया तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा बेटा मैं ना कहती थी बीविया आती हैं तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं और देख तेरे बारे में तो मेरी भविष्यवाणी सत प्रतिशत सही साबित हुई मैंने कहा था ना बीवी के हाथ के तो तू टिंडे भी खाएगा और आज तू टिंडे ही खा रहा है रश्मि और जानकी हंसने लगते हैं और उन्हें झेपते हुए अपना खाना खत्म करने लगता है